दिल्ली में आज नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन भर लिए गए हैं लेकिन तमाम पार्टियों से विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बीजेपी नेता और दिल्ली के चुनाव प्रभारी प्रभात झा के खिलाफ नारेबाजी हुई है। हम आपको सीधे विवेक शुक्ला हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। विवेक, ये नारेबाजी प्रभात झा के खिलाफ क्यों? देखिए सईद, ये पार्टी बीजेपी लगातार दावा करती रही है कि अनुशासन की पार्टी है ये, और सारे के सारे जो कार्यकर्ता बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन खुलकर बिल्कुल पोल सामने आम जनता के सामने आ गई है। प्रभात झा जब अंदर आ रहे थे मीटिंग के लिए, जो कि पार्टी के इंचार्ज हैं यहाँ पर, पूर्वांचली जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जमा थे, और अभय कुमार वर्मा जो कि लक्ष्मीनगर से 2013 के चुनाव में उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनके समर्थन में ये सारे इकट्ठा हुए थे और नारेबाजी कर रहे थे कि विवी त्यागी को गलत तरीके से टिकट दी गई है, और इसके लिए प्रभात झा के खिलाफ उन्होंने मुर्दाबाद नारे भी लगाए। और जब मीटिंग अंदर वो जा रहे थे तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। जो अनुशासन का दावा लगातार करती रहती पार्टी, उसके खिलाफ है ये। विवेक, हम आपकी बात सुनेंगे। विवेक की तस्वीरें आ गई हैं, हम अपने दर्शकों को दिखाना और सुनाना चाहते हैं। और मुझे बचपन में ही समझ में आ गया था, और उन्होंने एकदम सही बात कही है कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है। सर, एक और बात, लगातार पार्टी में विरोध हो रहा है टिकट बंटवारे को लेकर। पूर्वांचली अभय वर्मा के समर्थक हैं, उधर आपकी राष्ट्रीय वो आपकी प्रदेश उपाध्यक्ष के कल समर्थक यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग नाराज हैं। हालांकि अध्यक्ष जी भी कहीं ना कहीं नाराजगी कह रहे हैं कि पूर्वांचली तो वोट समूह जो हमेशा से रहा है, ताकत रही है, बीजेपी क्लेम करती रही पूर्वांचली उनके साथ है, और टिकट नहीं मिला, वोटर्स भी नाराज हैं, उनको भी टिकट काट दिया। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि एक भी रिबेल ने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन क्या लेकिन लेकिन क्या ये कार्यकर्ताओं को कहने का अधिकार नहीं है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये होगी, लेकिन अध्यक्ष जी सबकी टिकट कट गया। अध्यक्ष जी की नहीं, अध्यक्ष जी ने स्वयं मना किया, लेकिन महाराज महाराज